स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। हम मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे मैं नोट्स के तरीके से बिल्कुल आपको लिखाऊंगा। अगर नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने बनाई है। एंड इस पर्टिकुलर बुक का नाम है, बिपिन चंद्रा की ये बुक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और काफी इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाती है डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा सिविल सर्विसेज की या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको ये पता ही होगा कि बिपिन चंद्रा की ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। पतली सी किताब है बट मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से अनरैवल करती है, बहुत अच्छे से समझाती है कि स्टूडेंट को। साथ में अगर मेरे से पढ़ते हो, मेरे सपोर्ट के हिसाब से चलते हो, मेरे एक्सप्लेनेशन को देखते हो, तो मैं आपको ये और भी इजी बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ध्यान से सुनना है, और नोट बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो टॉपिक है सिपॉय रिवोल्ट 1857, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना दोस्तों स्टार्ट होती है 10 मई को, जब मेरठ में सिपाही जो थे मेरठ में म्यूटिनी करते हैं, और वहां से सीधे आते कहां पे, वहां से ये चल के आते हैं बहादुर शाह किला के रेड फोर्ट पे। ठीक है, रेड फोर्ट पे ये पहुंचते हैं, ठीक है, रेड फोर्ट पे पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं ये पहुंचते हैं 11 मई को, ठीक है, रेड फोर्ट पे पहुंचते हैं दिल्ली 11 मई को। जमुना नदी को क्रॉस करके ये आते हैं 11 मई को, कब, 1857 में। ये विद्रोह स्टार्ट होता है 10 मई को, याद रखिएगा। कहां से स्टार्ट होता है, मेरठ से, ये सवाल पूछ लेता है। और ये पहुंचते हैं 11 मई को कहां पे, लाल किला पे। लाल किला पे क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि इनको एक लीडर की जरूरत थी, एक शहंशाह की जरूरत थी, जो कि इनके म्यूटिनी को, इनके रिवोल्ट को लीड कर सके। जब ये पहुंचते हैं दिल्ली दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर उस समय काफी बूढ़ा और पेंशनर हो चुका होता है, तो उसको उसके मतलब हवाइयां उड़ जाती है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह द्वितीय कह लो, बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, तो ये काफी ओल्ड एज में पहुंच चुका था और ब्रिटिशर्स का पेंशनर था, ये, ठीक है, पेंशन पे जी रहा था। तो इसने जब देखा सिपाहियों को बिल्कुल खड़े थे, इसको घेर लिया, तो इसको कुछ समझ ही नहीं आया, बहादुर शाह को कुछ समझ ही नहीं आया। ये सोचने लग गया कि क्या करूं, अगर मैं लेट से कि सिपाहियों के साथ जाता हूं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेरे से नाराज हो जाएगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे मार सकती है, इसको डर था। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली कहानी थी, ठीक है। तो वही बात है, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसे फाइनली ये लग गया कि अगर मैं सिपाहियों को मना करूंगा तो सिपाही भी मार देंगे मुझे। बहादुर शाह जफर ने लीडरशिप देने की जो है यहां पे, ठीक है, लीडरशिप दिया इन्होंने, बहादुर शाह जफर ने इस पार्टिकुलर म्यूटिनी को लीडरशिप दे दिया, ठीक है। पेंशनर था ब्रिटिशर का बट लीडर बना ये सिपाही रिवोल्ट का, ठीक है। और खुद को इसने शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। खुद को इसने क्या घोषित कर दिया, हिंदुस्तान खुद को घोषित कर दिया कि भाई अब मैं ही शहंशाह हूं और इनको जो है मैं लीड करूंगा, ठीक है। यहां से जो है स्टार्ट हो जाती है ये म्यूटिनी, और खाली मेरठ और दिल्ली तक नहीं रहती है, फैल जाती है पूरी तरीके से। जब ये बंदे दिल्ली पहुंचते हैं ना, ये जो रिवोल्ट करने वाले सिपाही होते हैं, जब दिल्ली पहुंचते हैं तो ये जो है बहुत सारे ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारते हैं। उसमें एक बंदा है साइमन फ्रेजर को मारते हैं, ये पुलिस वाला होता है, ठीक है, और अदर कुछ जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी मारते हैं, ठीक है, प्लस सम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेर किल्ड, ठीक है, मारे जाते हैं।
ठीक है, साइमन फ्रेजर को मारते हैं और कुछ और भी जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये मारते हैं, और इस तरीके से सिपाही रिवोल्ट जो है फैलने लगता है धीरे धीरे। ये फैलता है तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ तक ये फैलता है, ठीक है, कहाँ कहाँ तक फैलता है। तो ये फैलता है नॉर्थ में, नॉर्थ पूरा जो है इंडिया, नॉर्थ इंडिया पूरा फैल जाता है, जिसमें आप अवध रीजन कह सकते हो, ठीक है, अवध रीजन है और तमाम ऐसे रीजन जो है कानपुर वानपुर ऐसे जगहों पे फैल जाता है। सेंट्रल इंडिया पे भी ये फैलता है, सेंट्रल इंडिया में भी ये फैलता है, सेंट्रल इंडिया में फैलता है, नॉर्थ में फैलता है। इसके अलावा वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया जो है वो थोड़ा सा कम फैलता है, ये साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा कम फैलता है। पंजाब और बंगाल में ये मार्जिनली फैलता है, ठीक है, पंजाब और बंगाल में मार्जिनली फैलता है, मार्जिनली, ठीक है। अगर बात करें दोनों की, पंजाब और बंगाल की, तो यहाँ पे छिटपुट फैलता है, ज्यादा नहीं फैलता है, बट नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ये खूब फैलता है। साउथ इंडिया में ये इसलिए नहीं फैलता, कई बार पूछ लेता है कि साउथ इंडिया में सिपाही रिवोल्ट क्यों नहीं फैला। सिपाही रिवोल्ट की कारणों को डिस्कस करेंगे, अभी हम थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज जाते हैं, ठीक है। तो साउथ इंडिया में इसलिए नहीं फैला क्योंकि साउथ इंडिया में इससे पहले कुछ म्यूटिनी हुई थी, वेलु थम्पी की ले लो, कुट्टा बोमन की ले लो, उनकी जो सप्रेशन था, उनकी जो रिवोल्ट हुई थी, उनका सप्रेशन जो ब्रिटिशर्स ने किया था वो काफी रूथलेसली किया था, इसलिए जो है ये साउथ में इतना ज्यादा नहीं फैला, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूं और आगे बढ़ेंगे। पंजाब और बंगाल में भी कम फैला क्योंकि पंजाब और बंगाल ने भी ना बहुत सारा जो है सप्रेशन देखा था, ब्रिटिशर्स के पावर को देखा था कि रिवोल्ट करने का नतीजा क्या होता है, तो वहां भी बहुत कम फैला था। लेकिन हिम्मत वाले थे नॉर्थ वाले और सेंट्रल वाले, जिन्होंने इस रिवोल्ट को काफी आगे तक पहुंचाया। तो अगर बात करें स्ट्रेंथ की, तो इस स्ट्रेंथ में अगर देखें हम स्ट्रेंथ कितना था सिपाहियों का, तो ये स्ट्रेंथ 2,24,000 के आसपास था, ठीक है, 2,32,000, इनफैक्ट 2,32,000, पूरा डाटा बताऊं तो 2,32,224 था, ठीक है। इतने सिपाही जो थे स्ट्रेंथ में थे, इतने सिपाही जो थे उस समय स्ट्रेंथ था सिपाहियों का, लेकिन ये पूरा नंबर जो है रिवोल्ट नहीं किया, इसमें से ओनली हाफ ने रिवोल्ट किया, हाफ रिवोल्टेड। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हाफ रिवोल्ट किया इन्होंने, हाफ इसमें से, यानी कि 1,16,000 के आसपास सिपाहियों ने रिवोल्ट किया, इसका मतलब हाफ ने जो है रिवोल्ट नहीं किया, नंबर वन, हाफ ने रिवोल्ट नहीं किया। यही तक खत्म नहीं होता है मामला, हाफ ने जो रिवोल्ट नहीं किया उसमें से बहुत सारे सिपाही ऐसे थे जिन्होंने इन सिपाहियों से लड़ाई लड़ी जो हाफ रिवोल्ट किया था, क्योंकि वो तो सर्विस कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बोल रही थी वो कर रहे थे। तो हाफ जो रिवोल्ट किए उनके अगेंस्ट में लगभग कह सकते हो, हाफ से थोड़ा कम, क्योंकि बहुत सारे सिपाही चुप हो गए, कुछ नहीं कर रहे थे, जा भी रहे थे रिवोल्ट वालों को सप्रेशन करने, तो कई बार वो उनको जानबूझ के सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट कह सकते हैं कि हाफ तो नहीं बट थोड़ा सा हाफ से कम जो है इन हाफ रिवोल्ट जो सिपाहियों ने किया इनके अगेंस्ट में ये लड़े, हाफ वालों ने इनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, ठीक है। आधे तो रिवोल्ट कर गए लेकिन आधे जो बचे उसमें से बहुत सारे सिपाहियों ने इनके ही अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और इनको सप्रेस करने का काम किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई इससे मतलब ये जो रिवोल्ट हुआ ना इसके पीछे थोड़ी और भी जा सकते हैं, क्योंकि 10 मई को तो रिवोल्ट हो गया लेकिन 10 मई से भी पहले अगर जाओगे तो एक्चुअली इसका जो 19th इन्फेंट्री थी, एक 19th इन्फेंट्री बोलते हैं, बेरहमपुर में थी ये, 19th इन्फेंट्री थी, पैदल सेना वाली थी ये, ठीक है, मेरा माइक काम कर रहा है ना, हाँ ठीक है। तो 19th इन्फेंट्री थी जो कि बेरहमपुर में स्थित थी। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था मेन कारण उसका, जिसका रिवोल्ट का जो मेन कारण था, जो कि मतलब कहते हैं ना कि तत्काल कारण था, जो वो था रॉयल इनफील्ड
राइफल्स, ये राइफल मेन कारण बना था और इस इन्फेंट्री ने इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था वो मैं बता देता हूं। रॉयल इनफील्ड जो राइफल था ये कुछ इस तरीके का राइफल दिखता था दोस्तों, ये मैं बना देता हूं मान लो इस तरीके का, क्या ये कुछ इस तरीके का राइफल था, ठीक है। और ये राइफल एज सच कोई इशू नहीं था, ये राइफल जो था ये एज सच कोई इशू नहीं था, इशू था इसका कारतूस, जो कारतूस जो था उसका जो आउटर पोर्शन था ऐसे था ये कारतूस, इसके अंदर जो है बारूद भरा हुआ था और ये जो ये पोर्शन था इसको कट करना पड़ता था दांत से, फिर जो है इसके बारूद को भरना पड़ता था इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद ये फायर होता था। तो ये जो आउटर लेयर था इसका जो कवर कह सकते हैं ये मेन मुद्दा था, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ये काऊ और पिग की, काऊ एंड पिग की चर्बी से बना था, पिग की फैट से बना था और इसे काट के सिपाहियों को भरना पड़ता था इस राइफल में, जो कि मेन मुद्दा बना कि भाई सिपाही रिवोल्ट क्यों हुआ। तत्काल कारण बना क्योंकि ये धर्म को अफेक्ट कर रहा था, काऊ हिंदुओं के लिए बहुत एक सैक्रेड एनिमल माना जाता है, है इनफैक्ट, और पिग जो है ये मुस्लिम भाइयों के लिए माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के जो है रिलीजियस को, रिलीजन को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, सेंटिमेंट को अफेक्ट कर रहा था रिलीजन के, तो ये इस वजह से जो है बेरहमपुर में ये जो इन्फेंट्री खड़ी थी इन्होंने मना किया था, इन्होंने मना किया था और इसी को मना करने की वजह से तुरंत ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया, डिसबैंड कर दिया, ठीक है, इस इन्फेंट्री को ही डिसबैंड कर दिया गया था। तो ये तो एक इंसिडेंट आपने देखा। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे का, मंगल पांडे का बैरकपुर में, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर को ही मार दिया था, ठीक है, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर को ही मार दिया था और इनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो मंगल पांडे जो थे वो 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते हैं, ये जो है पूछा जा सकता है सवाल, 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे ये और इन्होंने अपने सार्जेंट मेजर पे ही के ऑर्डर को ही डिफाई किया और उन्हें गोली भी मार दिया मंगल पांडे ने, और बहुत इनका नाम है, इनके ऊपर मूवी भी है, मूवी भी आप देख सकते हो, ठीक है, मूवी भी देख सकते हो, मूवी भी बनी हुई है इनके ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट ये इंसिडेंट था। तो ये सब ऐसे चल रहा था, ठीक है, कि 19th इन्फेंट्री ने मना कर दिया रॉयल इनफील्ड कार्सल जो ये कार्ट्रिज को काटने से मना कर दिया, इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया, मंगल पांडे ने भी अपने सार्जेंट मेजर को मारा, ठीक है, इनको एक्सिक्यूट भी किया। इसके अलावा 7th जो अवध रेजिमेंट था दे ऑल्सो डिफायर्ड देयर ऑफिसर्स, जो 7th अवध जो रेजिमेंट था, रेजिमेंट इसने भी अपने ऑफिसर्स को डिफाई किया, मतलब उनके ऑर्डर्स को नहीं मान रहे थे, दे डिफाइड देयर ऑफिसर्स, ठीक है, 7th अवध रेजिमेंट के भी सिपाहियों ने अपने ऑफिसर्स को डिफाई किया था। तो इस तरीके से कुछ इंसिडेंट चल रहा था, सिपाहियों में आक्रोश था, कारण अभी भी मैं बताऊंगा आपको, अभी कारण पे तो जो तत्काल कारण है वो बता ही दिया कि ये एक धर्म का इशू बन गया था और इन सिपाहियों ने मना कर दिया और इस राइफल को यूज करने से लगभग सभी सिपाही मना करने लग गए थे। चलिए मिटाता हूं इसको, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये जो अब हम बात करते हैं अगर इस पर्टिकुलर रिवोल्ट की, तो रिवोल्ट तो बहुत फैला ना, नॉर्थ इंडिया में फैला, लगभग सेंट्रल इंडिया में भी फैला। तो इस रिवोल्ट में ऐसा था कि लीडर इनको ढूंढ रहे थे बेचारे, सिपाही खुद से लीड नहीं कर पा रहे थे तो ये लीडर ढूंढ रहे थे। लीडर ढूंढने के चक्कर में इनको लीडर तो मिले, लेकिन उसमें बहुत लीडर ऐसे थे जो कि विल पावर उनका कमजोर था, एक आधा थे, जैसे कि बरेली में खान बहादुर,
खुद एक पेंशनर थे और शुरू में तो डर गए थे, तो इन्होंने इसकी सूचना दे दी कि भाई सिपाहियों ने रिवोल्ट किया है, मेरे पास आया लीडरशिप, मैंने दे दिया है, बट आप लोग सप्रेस करो। फिर इनको लगा कि नहीं यार ये अच्छा मौका है, जीत सकते हैं सिपाहियों के साथ, तो लड़े भी और बहुत ही ब्रेवली फाइट भी किया। खैर देखे तो इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस थे जहां पर रिवोल्ट हुआ उसमें आता है कानपुर, इम्पोर्टेंट और तो बहुत जगह फैला वैसे, कानपुर हो गया, फिर आया आपका बरेली, कानपुर बरेली, इसके अलावा बिहार आरा, कौन उसको डिफाई मना कर सकता है, ठीक है, बनारस, अलाहाबाद, झांसी, बरेली, जगदीशपुर, अलाहाबाद भी लिखो, जगदीशपुर जहां के निवासी थे वीर कुंवर सिंह साहब, बिहार में जगदीशपुर, बनारस, बनारस, ये तमाम जगह में विद्रोह हुआ। बनारस के अलावा और भी जगह है जैसे कि झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, लखनऊ, ठीक है, झांसी, लखनऊ, झांसी, ठीक है, फिर आता है लखनऊ भी आ जाएगा, यहां लिखता हूं। इस तरीके से कुछ ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, इसके अलावा भी बहुत जगह हुआ, छोटे छोटे प्लेसेस में हुआ, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिसमें कानपुर, लखनऊ, बनारस, अलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी वगैरह आता है। तो इन सब जगहों में विद्रोह काफी जो है काफी जबरदस्त विद्रोह चल रहा था सिपाहियों का, लेकिन सिपाहियों को इन जगहों में विद्रोह के लिए लीडर्स की जरूरत थी, लीडर्स की जरूरत थी, और लीडर्स कौन होते वो सोच रहे थे सिपाही कि किसको लीडर बनाया जाए इन जगहों पे। तो सिपाहियों को लगा कि भाई ट्रेडिशनल जो जमींदार थे जिनकी जमींदारी छीन ली गई थी वो आक्रोश में है, और जब वो पहुंचे उनके पास तो उन्होंने सपोर्ट भी किया, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट भी किया कि भाई तुम लोग आए हैं, आए हो तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स थे उनका सपोर्ट मिला इसको पूरा, ठीक है, उनका पूरा सपोर्ट मिला। तो जैसे कि कानपुर में थे एडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, नाना साहेब, इनका नाम है नाना साहेब, कानपुर को किसने लीड किया, नाना साहेब। इनके साथ कहानी ये हुई थी कि जो पेशवा था, पेशवा ने इनको बोला कि तुम जो है एडॉप्टेड सन हो, एडॉप्टेड सन हो लास्ट पेशवा का, बाजीराव द्वितीय के एडॉप्टेड सन हो। तो ब्रिटिशर्स की एक नीति थी कि भाई अगर कोई अडॉप्टेड सन है, अपना खून नहीं है, तो उसको जो है उस पार्टिकुलर जगह का शासक नहीं बनाया जाएगा और उसको ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया जाएगा। तो इसी वजह से नाना साहब नाराज थे क्योंकि इनको पेशवा नहीं बनाया गया था ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से, क्योंकि ये अडॉप्टेड सन थे, खुद के सन नहीं थे। तो ये उस समय वहां से भाग के आके कानपुर में रह रहे थे, और जब ये रिवोल्ट हुआ तब इनको एक मौका मिल गया कानपुर को लीड करने के लिए, ठीक है। ये आखिरी पेशवा जो उसके बेटे थे जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय, और इनको पेशवा नहीं बनाया गया, तो ये दुखी थे। फिर आता है बरेली, तो बरेली में मैंने बताया कि खान बहादुर जो थे उन्होंने लीड किया, खान बहादुर, खान बहादुर जो थे जिन्होंने लीड तो किया बरेली को, एक पेंशनर थे, मतलब कि ब्रिटिशर्स के पैसों पे टुकड़ों पे पल रहे थे उस समय, इनकी जमींदारी इनसे छीन ली गई थी बरेली की, लेकिन ये शुरू में घबराए, बहुत घबराए, जब इनके पास जब सिपाही पहुंचे तब इनको डर लग गया कि मेरा पेंशन भी ना छीन जाए, ठीक है, पेंशन भी छीन जाएगा और मुझे काफी नुकसान भी हो जाएगा। तो ये डर के मारे ब्रिटिशर्स को सूचित कर दिया इन्होंने कि मेरे पास सिपाही आए हैं, बोल रहे हैं कि आप लीडर बन जाओ, तो यार आप देख लो, आप लोग इसको सप्रेस कर दो, मैं नहीं बनूंगा इनका लीडर। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने सिपाहियों का जोश देखा तो इनको लगा कि नहीं यार ये अच्छा मौका है, और बाद में इन्होंने 40,000 की फौज इकट्ठा करी और जबरदस्त फाइट भी किया। तो शुरू शुरू में डाउट में थे, जस्ट लाइक बहादुर शाह जफर की तरीके से। खैर फिर आता है अलाहाबाद, अलाहाबाद में जो लीड कर रहे थे मोहम्मद अहमदुल्ला थे, ठीक है, तो अलाहाबाद को मौलवी अहमदुल्ला लीड कर रहे थे, ठीक है,
जगदीशपुर को तो सभी जानते हैं, जगदीशपुर को बाबू वीर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे और ओल्ड एज्ड मैन थे, काफी एज इनका ज्यादा था उस समय, 78 साल के आसपास इनकी उम्र थी, फिर भी मतलब किसी भी यंग आदमी से कम नहीं लड़े ये। इनका हाथ भी कट गया था, हाथ कट गया था लड़ते लड़ते, तो हाथ को इन्होंने फेंक दिया, गंगा में बहा दिया और लड़े, आखिरी सांसों तक लड़े और मतलब अपनी इंजरी की वजह से इनका देहांत हुआ था। तो बिहार को लीड किया इन्होंने, जगदीशपुर को कह सकते हैं, आरा को कह सकते हैं, इन्होंने लीड किया कुंवर सिंह, बिहार में सबसे बड़े जो है लीडर बने 1857 के विद्रोह के। फिर आता है बनारस, झांसी, झांसी को कौन भुला सकता है, झांसी जो है यहाँ पे लीड किया इसको रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई भी यही बोल रही थी क्योंकि इनका जो बेटा था काफी छोटा था और इनके हस्बैंड का ठीक है देहांत हो गया था, तो ये बोल रही थी कि मुझे क्वीन बनने दो, मुझे शासन करने दो, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के ब्रिटिशर्स ने कि भाई तुम्हारा कोई बेटा बड़ा नहीं है, तुम्हारा पति भी मर गया है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग जाएगा और तुम्हारा जो राजपाट है वो एनेक्स कर लेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इनको भी जो है इसी वजह से दुखी थी कि भाई मुझे शासन नहीं करने दिया इन्होंने, इस वजह से झांसी को इन्होंने लीड कर दिया। ठीक है, फिर आता है लखनऊ, लखनऊ में बिरजिस कादिर का नाम आता है एंड उनकी माता जी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, हजरत महल एंड इनके बेटे बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर का नाम आता है। ठीक है, ये इन्होंने लीड किया लखनऊ को, खुद ये बेगम थी, इनके पति को मिस गवर्नमेंट के नाम पे हटा दिया गया था, राजपाट छीन लिया गया था, तो ये लोग भी दुखी थे, तो इन्होंने वहां पे लीड किया। ठीक है, इस तरीके से जो है लीडरशिप चलता रहा, लीडरशिप चलता रहा और सिपाही विद्रोह आगे बढ़ता रहा। ठीक है, सिपाही विद्रोह आगे बढ़ता रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मद्रास आर्मी जो थी इसको मिटा देता हूं मैं,